हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भोला सर डीजल मैकेनिक में। तो फ्रेंड, आज का जो वीडियो है हमारा किन पिन फिटिंग के ऊपर है, जो कि किन पिन जो आता है आप लोगों को पता है कि फ्रंट टायर में जो आता है टाटा लेलैंड या कोई भी गाड़ी है उसमें फ्रंट में किन पिन ही आता है। तो फ्रेंड, ये किन पिन हम फिटिंग के बारे में बताएँगे, कैसे फिटिंग करना है। तो फ्रेंड, ये देख सकते हैं हमने ये किन पिन में बूस्ट डलवाया हुआ है, जो कि बूस्ट में चाल था तो इसके लिए हमने बूस्ट डलवाया इसके अंदर। तो फ्रेंड, ये देख सकते हैं कि हम लोग स्पेन जो हमारा धड़ी आता है उसके अंदर पिन को डालकर देख लेते हैं कि पिन हमारा स्पेन ये धड़ी के अंदर में चाल तो नहीं कर रहा है। तो इस तरह से नीचे से हम लोगों को क्या करना है, कोई भी गाड़ी हो उसके नीचे से पहले डालना है पिन को और चेक कर लेना है कि हमारा पिन में चाल तो नहीं है। और चेक करने के बाद तो नीचे से डालिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ज़्यादा टाइट होने के कारण अगर ऊपर से डाल देते हैं तो नीचे से निकालना मुश्किल होता है। इसके लिए नीचे से ही डालकर चेक करना है कि हमारा पिन धड़ी के अंदर चाल तो नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड, इस गाड़ी में ये प्रॉब्लम था कि स्पेंडल जो आता है उसके अंदर पिन और स्पेंडल का जो बूस आता है उसके अंदर चाल था, जो कि सिम्स और बेरिंग का होना चाहिए चाल, तो उसमें नहीं था, ये स्पेंडल के अंदर में था, जो कि उसके अंदर पता है जहाँ पर पिन हमारा आता है वहाँ पर बूस आता है, तो बूस में चाल था। तो हम लोगों ने बूस डलवाया और नया पिन भी डाला। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कि हम लोग पिन स्पेंडल के अंदर डालकर और सिम्स जो आता है सिम्स डालकर हम लोग धड़ी पे रख दिया। और धड़ी के अंदर क्या करना है, पहले थोड़ी सी पिन को डाल देना है, उसके बाद ही बेयरिंग को डालना है ताकि हमारा स्पेंडल चाल ना करे और बेयरिंग अच्छे से चला जाए। तो फ्रेंड, एक चीज़ और जानकारी के लिए दे दूँ आपको कि कभी भी लेफ़्ट साइड में आपको पीतल का ही बेयरिंग डालना है और राइट साइड में आपको लोखन का बेयरिंग डालना है, जो कि छर्रा आता है उसके अंदर में। तो उसका भी आप लोगों के मन में सवाल उठता होगा कि उधर छर्रा क्यों आता है, इधर पीतल क्यों आता है। तो फ्रेंड, क्योंकि उधर हमारा डाइक्लिन रॉड जो आता है, स्टेरिंग रॉड जिसको बोलते हैं, डाइक्लिन रॉड जो कि हमारा स्पेंडल में लगा रहता है, और स्पेंडल से हमारा स्टेरिंग बॉक्स जो आता है, स्टेरिंग बॉक्स का आर्म उसमें लगा रहता है। स्टेरिंग मतलब हमारा टर्निंग करने के लिए, लेफ्ट राइट टर्न करने के लिए इसमें लगा रहता है, इसके लिए उधर बेयरिंग देता है, क्योंकि हमारा अच्छे से कटिंग हो सके। अगर दोनों तरफ हम लोग ये पीतल की बेयरिंग डालते हैं तो उसमें क्या होगा, आपका स्टेरिंग जाम कटने लगेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, बेयरिंग डालने के बाद हम लोग पिन को डाल रहे हैं अंदर में। तो इस तरह से पिन डालना है, और पिन को डालने के बाद इसमें फ्रेंड टाटा में बहुत अच्छा है कि इसमें उल्टा और सीधा कुछ आदमी आता है, आप जैसे डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, उसमें कैसे भी डाल सकते हैं। लेलन में जो आता है फ्रेंड, लेलन में अलग तरीका देता है, अगर उसमें उल्टा डल गया तो आपको प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। जो हमारा लॉक बोल्ट जो आता है, जिसको हम लोग क्वार्टर पिन भी बोल सकते हैं, लॉक बोल्ट जो आता है हमारा धड़ी और पिन के अंदर में जो लगता है ताकि हमारा स्पिन जो पिन है बाहर ना हो जाए, तो देता है उसके लिए फ्रेंड। तो इसमें क्या है, दो उसमें लेलन में दो देता है और टाटा में सिर्फ एक ही देता है। इसमें बहुत आसान है फिटिंग करना, कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा सीधा पिन में किधर से भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब धड़ी के अंदर जो छोटा सा होल होता है फ्रेंड, उसके अंदर फ्रेंड क्या होता है कि उसके अंदर हमको लॉक बोल्ट डालना पड़ता है, जो कि लॉक बोल्ट डालना बेहद ज़रूरी है। नहीं तो क्या होता है कि ऐसे हमारे तसल्ली के लिए डालते हैं ताकि हमारा पिन बाहर ना हो जाए, निकले नहीं। तो चलिए, हमने पिन को कम्प्लीटली कर लिया है। पिन को कम्प्लीटली करने के बाद अब लॉक बोल्ट को हम लोग डालेंगे ताकि हमारा लॉक बोल्ट से अच्छे से डल जाए। तो लॉक बोल्ट इसमें फ्रेंड क्या होता है कि जो हमारा धड़ी के अंदर होल होता है और पिन में जो हमारा डिप बनाया रहता है उसके अंदर आता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग को डालना है कहाँ से, सामने की तरफ से डालना है, इधर हमारा वाइसर और जो हमारा नट आता है वो लगाना है। और ये बेयरिंग हमने डाल दिया है, बेयरिंग भी अच्छा खासा जाम गया, मतलब टाइट गया है, चाल भी नहीं है। तो फ्रेंड दिखाते हैं आपको कहाँ पर इसका लगता है। ये देख सकते हैं हमारे पास ये पिन पड़ा हुआ है, पिन के यहाँ पर डिप दिख रहे हैं, डिप बना हुआ है, तो ये उस होल के सामने आना चाहिए तो ही हमारा पिन अच्छे से जाएगा, नहीं तो क्या होगा कि पिन उसमें जोर ज़्यादा लगाने का पड़ेगा, जाएगा भी नहीं और तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होगी। तो ये है फ्रेंड इसका डिप जिसमें हमारा लॉक बोल्ट लगता है, यानी क्वार्टर पिन, लॉक बोल्ट इसी के अंदर आकर बैठता है धड़ी के अंदर में। तो चलिए, उसके अंदर भी धड़ी के अंदर हम लोग बोल्ट को डाल लेते हैं। ये देख सकते हैं इसमें भी डिप दिया है बोल्ट के अंदर में, तो ये डिप भाग को हमारे पिन के साइड में रखना है, जो कि अच्छे से चला जाए। चलिए, इसको थोड़ा सा हल्के हाथों से मार कर इसको जाने देते हैं। अब ये बाहर आ चुका है फ्रेंड, अब इसमें क्या करेंगे, वाइसर डालेंगे और चाकियाँ डाल देंगे इसमें, यानी नट, नट को डालेंगे।
फ्रेंड ऊपर में क्या होता है, एक प्लेट हमारा लगा रहता है जो कि हमारा ग्रीस को बाहर नहीं करने देता है। ये देख सकते हैं प्लेट है, जो कि पैड भी बोल सकते हैं आप इसको। पैड को हमको ऊपर लगाना है और इसमें लॉक लगाना है। इस पैड के अंदर में एक रिंग आएंगी रबर की और उसके बाद लॉक डालना है ताकि हमारा ग्रीस जो है बाहर की तरफ ना आए, पिन के अंदर में रहे। अब फ्रेंड सवाल ये उठता होगा आपके दिमाग में कि भाई हमारा जो धड़ी के अंदर पिन रहता है वो घूमता है या स्पेंडल घूमता है। तो फ्रेंड आपके सवाल का जवाब मैं दे देता हूँ, ये हमारा स्पेंडल ही घूमता है। पिन जो हमारा रहता है एक जगह पर रहता है और सिर्फ इसी स्पेंडल घूमता है जो कि ग्रीस के कारण ही घूम पाता है। तो ग्रीस इसमें अच्छे से लगाएं, ग्रीस भी अच्छे से मारें कहीं भी जाए तो, ताकि आपका स्टीयरिंग जो है कटे, अच्छे से कटे, तकलीफ ना हो। तो फ्रेंड इसमें जो हमारा पैड था उसमें हमने बोल्ट लगाया था ताकि हमारा पैड अच्छे से निकल जाए, बहुत तकलीफ़ करता है इसलिए बोल्ट लगा कर हम लोग इसको निकाल लेते हैं। तो बोल्ट को हमने खोल दिया। अब कभी भी इसमें ग्रीस आपको अच्छे से लगाना है और इसमें ताकि हमारा स्टीयरिंग अच्छे से कटे, क्योंकि पिन घूमता नहीं है फ्रेंड, आपका स्पेंडल जो होता है स्पेंडल ही घूम पाता है, पिन घूमता नहीं है। तो इसमें ग्रीस लगाना ही लगाना है। हमने 13 नंबर का नट भी लगा दिया। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड कि हम लोग लॉक भी लगा रहे हैं। लॉक लगाना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो ग्रीस का जो टेम्परेचर, ग्रीस का जो हमारा टेंशन है वो बाहर फेंक देगा इस पैड को। अब ये हो गया कम्प्लीट। नीचे भी हमारा क्या होगा, एक रिंग दो प्लेट, ये देख सकते हैं एक रिंग है दो प्लेट है, एक प्लेट ऊपर के साइड में रहेगा बीच में रिंग और एक प्लेट नीचे रखकर हमको इधर भी लॉक लगाना है ताकि नीचे से भी हमारा ग्रीस निकले नहीं, अंदर स्पेंडल में रहे, तो ही हमारा स्टीयरिंग कटेगा। तो फ्रेंड ये है किन पिन फिटिंग का तरीका जो कि काफ़ी अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। ये टाटा के किन पिन है, 3118 गाड़ी है, जो कि आप लोगों को पता है 3118 गाड़ी में हमारा 4 किन पिन आते हैं, 2 लिफ्ट एक्सल में आते हैं, 2 फ्रंट में आते हैं। तो इस तरह से किन पिन आप बनाते हैं तो अच्छा रहेगा, बेहद अच्छा रहेगा। जो कि आपको ये चेक करना है फ्रेंड, कभी भी आपके पास आती है गाड़ियाँ कि हमारे किन पिन में चाल है, टायर खा रही है, तो ये ध्यान देना है कि हमारा जो सिम्स आता है और बेरिंग उसमें चाल है या स्पेंडल में चाल है, जो कि स्पेंडल में बूस जो आता है, अगर बूस में चाल है तो टायर खाने की शिकायत आपकी रहेगी ही रहेगी। अगर धड़ी और पिन में चाल है, धड़ी और पिन में चाल है तो उसमें भी दिक्कत होती है, उसमें भी टायर खाने की शिकायत आती है। और सिम्स का जो चाल होता है फ्रेंड, सिम्स और बेरिंग का, उससे आपकी टायर नहीं खाएगी। ये आप लोगों की बात जानकारी के लिए है। तो फ्रेंड हमारे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन घंटी को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन हमारा मिलता रहे, और कमेंट में ज़रूर बताएं हमारा वीडियो कैसा लगा।